मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो परेशान हाल है, जिनके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही है या फिर जिनको पैसों की तंगी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जुमे के दिन का एक खास और पावरफुल वजीफा के बारे में बताया गया है, जिसके अमल से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपके रिज़्क में बेशुमार बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी रोजी में बेशुमार बरकत चाहते हैं तो आपको जुमे के दिन मस्जिद में इस अमल को करना है। आप जब इमाम के पीछे दो रकात नमाज फर्ज अदा कर लें और जब सलाम फेर लें तो उसके बाद आपको वहां से उठना नहीं है। तहसुद की हालत में ही बैठे रहते हुए रोजी में बरकत की इस दुआ को पढ़ना शुरू करना है। और औरतें अगर इस अमल को पढ़ रही हैं तो वो घर में ही इसको पढ़ सकती हैं। जुमे के दिन दो रकात नमाज जब वो पढ़ लें और सलाम फेर लें तो फिर वहाँ से उठना नहीं है। तहसुद की हालत में बैठे बैठे ही इस दुआ को पढ़ना है। दोस्तों, आप सबसे पहले तहसुद की हालत में बैठे बैठे 7 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 70 मरतबा अल-मुतीहुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद आखिर में आपको वही दुरूद शरीफ 7 मरतबा फिर से पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों, दोनों हाथ उठाकर दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ाकर रो रो कर अल्लाह से रिज़्क में इजाफे की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह एक ही बार में बैठने में आपको असर नज़र आने लगेगा और आप अपने रिज़्क में फ़र्क महसूस करेंगे। पैसों की आमद में इजाफा होने लगेगा और आपकी माली हालत है वो सुधरने लगेगी। दोस्तों, बहुत ही कम तौर पर यह होता है कि किसी शख्स को एक बार में असर नहीं आए। अगर किसी भाई के साथ ऐसा होता है कि एक बार में असर ना आए, फ़र्क ना दिखे, तो उन्हें इस अमल को फिर से अगले जुमे को करना है। और अगर वो चाहे कि हमेशा उनकी रोजी में खूब इजाफा और बरकत हो तो रोजी की इस दुआ को हर जुमे की नमाज के बाद पढ़ने की वो आदत बना सकता है। अल्लाह बेशुमार फायदा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, औरतें इस एक बात का खास ख्याल रखें कि हेज यानी माहवारी के दिनों में औरतें जुमे की नमाज को नहीं पढ़ सकती हैं और इस अमल के लिए जुमे की नमाज फर्ज नमाज को पढ़ना बेहद लाजमी है। इस वजह से औरतें हेज यानी माहवारी की हालत में इस वजीफे को नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए और हमारे हलाल रिज़्क में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि यह वीडियो किसी परेशान भाई बहन के काम आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।